ब्रेकिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल ओटी स्टडी पॉइंट। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन नंबर 23 से। इसके पहले आईडेंटिफाई लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के दो क्लास दे चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका इस प्रकार से है, एक फर्श की लंबाई x का पावर 4 माइनस x मीटर तथा चौड़ाई x की प्लस x स्क्वायर प्लस x मीटर है। आंगन में फर्श पर समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाने हैं। आंगन में लगाने वाले टुकड़ों की कम से कम संख्या होगी। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, फर्श की लंबाई दे रखा है आपको, l की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है x का पावर 4 माइनस x, और जो फर्श की चौड़ाई दे रखा है वो आपको दे रखा है x क्यूब प्लस का x स्क्वायर और प्लस का y। आपको आंगन में लगाए जाने वाले टुकड़ों की संख्या कम से कम बतानी है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23 को समझिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, x का पावर 4 माइनस x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा आपको x का क्यूब माइनस का y। अब देखिएगा, ये आपका x है, जो आपका x क्यूब माइनस का 1 है, इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब देखिएगा, ये आपका x है, ये आपका a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में हो गया। अब आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इसको आप तोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट में a माइनस b यानी x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर है, और प्लस का a इनटू b, तो a का मान है x और x का प्राइम कराएंगे तो आपको x मिल जाए। यहां से आपको लंबाई कितनी मिल गई, लंबाई आपको मिल गया x x माइनस a और x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का x। ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं चौड़ाई की। तो डियर स्टूडेंट, चौड़ाई को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों में आपका x कॉमन है तो आप x को कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का y। यहाँ तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन में बोल रखा है कि समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाने हैं। तो समान माप के वर्गाकार टुकड़े का सेंस ये है कि जो आपका वर्गाकार होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है। क्योंकि आपको समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाने हैं तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों समान रखेंगे तभी आपका वर्गाकार टुकड़ा बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा, लंबाई और चौड़ाई आपको समान रखना है। तो देखिएगा, इसमें भी आपका x x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है और इसमें भी आपका x और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x है, यानी कि जो समान वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो आपका x x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्योंकि जो टुकड़ा यूज हो रहा है वो वर्गाकार यूज हो रहा है। तो लंबाई और चौड़ाई तो दोनों समान होगा, तो कौन सा टुकड़ा लगवाना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 1 का नंबर में टुकड़ा लगवाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका जितना चौड़ाई है उतनी ही मैंने लंबाई निकाल दिया, आपको कितना बच रहा है x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 के बराबर आपको टुकड़ों की संख्या कम से कम लगवानी पड़ेगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका x माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चंस को जैसे क्वेश्चन पूछा है उसी आधार पर आपको सॉल्व करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका इस प्रकार से है, आपको दे रखा है पद x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3
अब दूसरा व्यंजक दे रखा है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 और तीसरा आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 54 का महत्तम समापवर्तक बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है x का क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 3, और आपको नेक्स्ट दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 27, और जो तीसरा व्यंजक आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 21x प्लस का 54। आपको इन तीनों व्यंजक का मोसा बताना है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसको तो आप ऐसे ही लो रखिए, अभी देखिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 27 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि 6 आ जाए, तो 9 3 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 भी आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 3x और माइनस का 27 बराबर 0। अब देखिएगा माइनस का गुणा करा दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 9x और ये आपका हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 27 बराबर 0। इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 मिलेगा। इन दोनों में आप प्लस का 3 कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको x माइनस का 9 बराबर 0। अब देखिएगा यहां से क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3, यानी एक ब्रैकेट में x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल गया x प्लस का 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको 54 का ऐसे फैक्टर करना है कि 21 आ जाए, तो 18 की 54 और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 भी मिलेगा, तो x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 3x प्लस का 54 बराबर 0। अब देखिएगा यहां से आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 3x प्लस का 54 बराबर 0। देखिए इन दोनों में आपका x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 मिलेगा, इन दोनों से आप प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए मिलेगा आपको x प्लस का 18। अब देखिएगा बराबर 0, तो एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x प्लस का 3। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि x प्लस 3 इसमें भी मिला आपको और x प्लस 3 आपको इसमें भी मिला, यानी कहीं ना कहीं आपका x प्लस 3 मौसा होगा। अब सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, अब सेटिस्फाई करने के लिए करते क्या है, यदि आपका x प्लस 3 इसमें भी होगा तो x की वैल्यू माइनस 3 रखने पर यह समीकरण सेटिस्फाई होगा। तो चेक कर लेते हैं, तो यदि आपका x प्लस 3 इसमें भी होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपका माइनस का 3, क्योंकि x प्लस 3 बराबर 0 कहेंगे तो x बराबर माइनस 3। तो x की वैल्यू यदि माइनस 3 रखने पर यह आपका व्यंजक सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका इसमें भी x प्लस 3 मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपका मोसर x प्लस 3 मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, तो माइनस 3 रखिएगा तो माइनस 3 का क्यूब माइनस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 गुणे माइनस का 3 और माइनस का 3। अब देखिए माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो माइनस 27 मिलेगा, ये आपका माइनस और माइनस 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, माइनस और माइनस से आपका प्लस हो जाएगा 39 और माइनस का 3। अब देखिए माइनस 27 और माइनस 9 माइनस 36, अब माइनस 36 और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 39 और प्लस का 39, तो 0 हो गया। यानी कि जो आपका x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 है, इसका एक व्यंजक x प्लस 3 भी है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसको फैक्टर विधि से सॉल्व करें तो काफी जल्दी हो जाएगा, मैक्सिमम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 6 दिन लग जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जिसको आप सिंपल तरीके से फैक्टर कर सकते हैं उसका आप फैक्टर कर लीजिए, और जिसका नहीं कर सकते हैं उसको आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। x की वैल्यू मैंने देखा यहां पर x + 3 आ रहा था और यहां पर x + 3, तो x बराबर माइनस 3 को मैंने देखा तो यह व्यंजक सेटिस्फाई हो रहा था, यानी कि इसमें भी आपका x + 3 है, तो तीनों जगह आपका x + 3 x + 3 x + 3 मिल गया, तो आपका मौसम क्या मिल जाएगा, आपको मौसम मिल जाएगा x + 3
यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 24 की तरह सॉल्व करना है, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस प्रकार से है, दो व्यंजकों px और qx का महत्तम लघुत्तम समापवर्तक x cube minus 7x plus 6, यदि px बराबर x square plus 2x minus 3 तथा qx बराबर x square plus x minus 6 हो तो px और qx का महत्तम समापवर्तक है, यानी आपको महत्तम समापवर्तक बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, आपको क्वेश्चन नंबर 25 में लॉसा दे रखा है, जो आपको लॉसा दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, x क्यू माइनस 7x और x क्यू माइनस 7x प्लस का सिंबल। आपको पहला व्यंजक दे रखा है यानी px की जो वैल्यू दे रखा है, या पहला व्यंजक लिखिए या px, तो px की वैल्यू आपको दे रखा है x क्यू प्लस 2x, x क्यू प्लस का 2x और माइनस का 3। और जो दूसरा व्यंजक qx की वैल्यू आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस x, मतलब x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 3। आपको मौसम निकालना है, तो एक बात आप समझिएगा, इस वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मौसम निकालना है। तो मौसम क्या होता है, तो दोनों व्यंजकों में का मान, तो इन्हीं दोनों व्यंजक को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो दोनों में का मान होगा वही तो मौसम होगा। क्योंकि जो आपका मौसम होता है वह दोनों जगह का मान होना चाहिए, वही मौसम होता है। तो सॉल्व करते हैं, देखिएगा 3 × 3 3 में से 1 जाएगा 2, तो यहां पर हो जाएगा x क्यूब प्लस का 3x और माइनस का x और माइनस का 3 बराबर आप कर दीजिए 0। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा x क्यूब प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3 बराबर 0। इन दोनों से आप x का मान ले लो तो मिलेगा आपको x प्लस 3, इन दोनों में आप माइनस का 1 का मान ले लो तो मिलेगा आपको x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिएगा x प्लस 3 आपको मिल जाएगा और क्या मिलेगा, और आपको मिल जाएगा x माइनस 1। तो इसका आपने सॉल्यूशन किया तो आपको x प्लस 3 x माइनस 1 मिला। अब इसको देखिएगा 6, तो 3 दुना 6 3 में से 2 कटाएंगे 1 भी मिलेगा, तो x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में आपका x कॉमन है तो मिल जाएगा x प्लस का 3, इन दोनों में आप माइनस का 2 कॉमन ले लो तो मिल जाएगा x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिएगा एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 3 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका x माइनस 3। अब आप ये बताइए इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू, अब आप ये बताइए इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे दोनों में कॉमन आपका x + 3 है, तो मौसम आपका क्या निकल जाएगा, मौसम आपको मिल जाएगा x + 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इस वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं, बस यही दोनों आपको पता रहता तो भी आप मौसम निकाल सकते थे, क्योंकि मौसम वही होता है जो दोनों व्यंजकों में कॉमन होता है, तो दोनों व्यंजकों में कॉमन आपका x + 3 था वही आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मौसम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको इस प्रकार से दे रखा है,
फोर वाई टू पावर फोर, फोर वाई टू पावर फोर इंटू एक्स माइनस नाइन वाई स्क्वायर एक्स क्यू, और आपको दे रखा है फोर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का सिक्स वाई एक्स क्यू। आपको मौसम निकालना है, मैं जितना भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ टोटल क्वेश्चन आपका हरियंत पब्लिकेशन का है, तो ध्यान से कुछ एक क्वेश्चन को समझिएगा। हरियंत पब्लिकेशन में जितने भी क्वेश्चन दिए गए टोटल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन का डिजाइन किया गया है ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। इन दोनों में देखिए आपका क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपका कॉमन है एक तो आपका है वाई स्क्वायर कॉमन है और आपका एक्स कॉमन है, तो y स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 4y स्क्वायर और यहां आपको क्या बचेगा 9 x स्क्वायर। ठीक है, मैंने पूरे से y स्क्वायर x कॉमन ले लिया, तो y स्क्वायर x से आपका हो जाएगा। अब देखिएगा ये आपका 4y स्क्वायर है, इसको हम लिख देते हैं 2y का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर है, इसको हम लिख देते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में हो गया, तो इसको a प्लस b a माइनस b के रूप में लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा y स्क्वायर इनटू x, a ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि आपका हो जाएगा 2y प्लस का 3x, और a ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि आपको मिल जाएगा 2y माइनस का 3x। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका दो कॉमन है और आपका y का मान है और आपका x स्क्वायर का मान, यानी कि 2y x स्क्वायर दोनों में का मान है, यहां से 2y x स्क्वायर का मान लेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको 2y प्लस, यहां से 2y x स्क्वायर का मान लेंगे तो मिलेगा आपको 3x, तो यहां से आपको मिल गया 2x स्क्वायर y 2y प्लस का 3x, और ये वाली वैल्यू आपका ये है। अब इसमें और इसमें बताइए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका है एक तो आपका एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है, और क्या कॉमन है, और कॉमन आपका है टू वाई प्लस का थ्री एक्स, टू वाई प्लस का थ्री एक्स, तो जो मौसम आपको निकल कर आएगा वो आपका एक्स वाई टू वाई प्लस का थ्री एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, जो क्वेश्चन नंबर 27 आपका है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका इस प्रकार से है, एक व्यापारी के पास तीन किस्म की चाय है, पहली 117 की ग्राह, दूसरी 130 की ग्राह और तीसरी 143 की ग्राह, एक ही आकार के कम कितने डिब्बों में पूरी चाय बिना मिलावट के आ जाए। तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो आपको डब्बा यूज करना है एक ही साइज का, एक ही साइज का डब्बा यूज करना है 117 केजी के लिए भी और 130 केजी के लिए भी और 143 केजी के लिए, आपको यह बताना है कि कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मौसम निकालना है, क्या करते हैं 117 और 130 और 143 का मौसम निकालते हैं। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन आपका है यह आपका क्वेश्चन नंबर 27, तो देखिए मौसा क्या आएगा, मौसा आपका आएगा 13 से कटेगी सारी संख्या है, तो 13 नौ 170 है, 13 जाए यानी 130, 13 कम 13 एक और 3 13 कम 3, तो मौसा आपका क्या आएगा 13। आपको यह बताना है कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी सालाना करके, तो 9 डब्बा यहाँ पर लगेगा 117 केजी के लिए, 10 डब्बा लगेगा 130 केजी के लिए और 13 डब्बा लगेगा 143 केजी के लिए, तो टोटल कितना लगेगा 9 प्लस 10 प्लस का 13 तो कितना आ जाएगा 13 9 170 है या 13 है या 130, तो उसके बाद से
आपका 11 हो गया। 13 कब 13, 1 और 3 1 11 हो गया, ठीक है ना। 13 कब 13 1 3 13 कब 13, ठीक। तो 11 9 20 और 10 30, यानी टोटल जो डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको 30 पड़ेगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि जो समान आकार का डब्बा यूज हो रहा है उसकी साइज क्या है, तो उसकी साइज आपका है 13 है, यानी कि वो जो डब्बे की साइज है वो 13 के लिए है, यानी कि एक डब्बा में 13 के लिए आपका चाय आया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका इस प्रकार से है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23 35 तथा 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको नंबर दे रखा है 23 35 और 41, क्वेश्चन नंबर 28 23 35 और 41, ठीक है। बोला है भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, तो सबसे पहले करो क्या, प्रत्येक दशा में 5 शेष बच रहा है ना, तो सबसे पहले आप 5 घटा दो, इसमें से भी 5, इसमें से भी 5 और इसमें से भी 5। तो यहां 23 में से 5 घटाओगे तो 18 बचेगा, यहां 35 में से 5 घटाओगे तो 30 बचेगा, यहां 41 में से 5 घटाओगे 36 बचेगा। अब करना क्या है, 18 30 और 36 का एलसीएम यानी मोशन निकालो। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3 × 6, 30 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 5, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6। अब बताओ इन तीनों में का मोशन क्या होगा, यानी इन तीनों में कामन क्या है, तो इन तीनों में जो आपका कामन है वह केवल और केवल 6 है, यानी कि आपका आंसर 6 होगा। ये तो मैंने पहला मेथड बताया, जितना आपका शेष बचा तीनों नंबर से उतना उतना घटा दिया। फिर करना क्या है, जो आपका 18 30 और 36 आया किसी का मौसम निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा। दूसरा मेथड ध्यान से समझिएगा, आपको ये सेकंड मेथड समझिएगा, आपको दे रखा है 23 35 और 41, इसको आप मान लो ए, इसको आप मान लो बी और इसको मान लो आप सी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आप बी माइनस ए निकाल लो, फिर आप सी माइनस बी निकाल लो, फिर आप सी माइनस ए निकाल लो। तो देखो बी माइनस ए यानी 35 में से 23 घटाओगे तो 35 में से 23 घटाओगे कितना बचेगा 12, ठीक है। अब 41 में से 35 घटाओगे तो 6 मिलेगा, सी माइनस ए यानी 41 में से 23 घटाओगे कितना मिलेगा 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा यानी 18 मिलेगा। अब करना क्या है, 12 6 और 18 का एलसीएम निकालो, तो 12 6 18 का एलसीएम क्या है, 6 × 2 लिख लो इसको, 6 × 1 और 6 × 3, तो इसमें भी आपका एलसीएम जो आएगा वो आपका 3 ही आएगा, इस विधि से भी एलसीएम 3 आएगा। तो मैंने दोनों मेथड आपको समझा दिया हूं, चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करो चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करो, आंसर दोनों के सेम आना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 को सेकंड मेथड से मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63 108 और 228 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है इसको आप सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको नंबर दे रखा है 63 और 138 और आपको दे रखा है 228। तो सबसे पहले इसको मान लो ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी। आपको निकालना क्या है, बी माइनस का ए और सी माइनस का बी और सी माइनस का ए, यानी कि बी माइनस ए, बी माइनस ए, फिर सी माइनस बी, फिर सी माइनस ए। तो बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू है आपका 138, ए की वैल्यू आपका 63 है, फिर सी की वैल्यू कितना है 228
और बी की वैल्यू है आपका 138, इस सी की वैल्यू कितना है 228 और ए की वैल्यू है आपका 63। बताओ तो 8 में से 3 जाएगा 5 और 13 में से 6 जाएगा 7, 8 में से आ जाएगा 0 फिर उसके बाद से 12 में से 3 जाएगा कितना बनेगा 9। अब यहां पर 8 में से 3 जाएगा 5 और उसके बाद से 12 में से 6 जाएगा आपका 6 और 1। तो इस तरीके से ये नंबर आ गए। अब करना क्या है आपको 75 90 और 165 का आपको एचसीएल यानी औसत निकालना है। तो 75 को हम क्या ले सकते हैं 15 × 5, 90 को हम क्या ले सकते हैं 15 × 6 के रूप में और 165 को हम क्या ले सकते हैं 15 × 11 के रूप में। ठीक है, अब मौसम क्या है तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है 15 है, तो यही आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ठीक से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो मैक्सिमम 5 सेकंड लगेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका इस प्रकार से है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि एक घंटिया क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साल बजेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। यहाँ से 2 से काटेंगे तो 1 बार में 2 बार में 3 बार में 4 बार में 5 बार में 6 बार, फिर 2 से तो ये आपका 1 बार में 3 हो जाएगा, 2 × 4 = 5 और फिर 2 से ऐसे ये 2 से काटिए 2, 1, 3, 1, 1, 5 और 3, फिर 3 से तो 3, 1, 1, 1, 1, 5 और 1, फिर 5 से काटिए 1, 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
पांच मिल गया गुणे 3 बजे 15, तो 15 में कितना आ जाएगा 120। यानी कि आपने एलसीएम निकाल लिया 120। अब 120 किसमें है सेकंड में, लेकिन आपसे पूछा है 30 मिनट में कितनी बार बढ़ेगी, तो 120 सेकंड में कितना मिनट होता है, 120 सेकंड में आपका होता है 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। तो ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है, आपका होता है n / 2 + का 1, n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू आपका है 3 बटे का 2 + का 1, तो 2 से भाग आप देंगे तो 30 को तो 15 बार में जाएगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 30 मिनट में 16 बार बजेंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक और, देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ गया कि 2 मिनट में एक साथ बजते हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 15 बार। 2 मिनट में एक बार बजती है एक साथ तो 30 मिनट में आपका 15 बार बजेगी। अब बात करते हैं जब पहली बार घंटी एक साथ बजी तो यहां पर इनको 2 मिनट की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि जो 1 से 30 के बीच में ये 15 बार बजी, लेकिन स्टार्टिंग में भी तो एक बार बजी होगी, तो उसके लिए तो 2 मिनट का वेट नहीं करना पड़ा होगा, तो 15 1 और स्टार्टिंग वाला 1 0 है। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं या n / 2 + 1 का भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को आप लोग ध्यान से समझिएगा, यह भी क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका इस प्रकार से है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10 20 30 40 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 10 20 30 40 50 का आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद से उसमें आपको 7 जोड़ देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करते क्या है 10 20 30 40 और 50 का एलसीएम निकालते हैं। यह आपका है क्वेश्चन नंबर 31। तो
सबसे पहले 10 से काट दीजिए, 10 एक 10, 10 दूना 20, 10 तीन 30, 10 चौक 40, 10 पच्चीस 50। इधर दो से चेक कर लीजिए, एक एक तीन दो दूना चार तीन पांच, फिर दो से तो एक 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 पांच, फिर तीन से एक 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 पांच, फिर पांच से एक 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 एक। अब ऐसे में क्या आ जाएगा, 10 दूना 20 दूना 10 दूना 20 दूना 40, तो ये आपका हो गया 40 गुणे, यहाँ पर 3 बचे 15, तो 40 गुणे 15 कितना होगा, 15 जीरा जीरो, अब 15 चौका 60, यानी 600 आपका है। अब कितना शेष बच रहा था, 7 से 15 था, तो एमसीएम में आप 7 जोड़ दीजिए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 607, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, 10, 20, 30, 40, 50 का एलसीएम निकालिए, जितना एलसीएम आपका आता है उसी के शेषफल जोड़ देना है। तो एलसीएम 600 आया, शेषफल 7 था, 600 में 7 जोड़ा तो 607 हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से समझिएगा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका इस प्रकार से है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 से बनता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें जो आपका शेषफल आ रहा है वह डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, 7 आ रहा है, 17 आ रहा है, 27 आ रहा है, 37 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। आपको नंबर दे रखा है 15, 25, 35 और 45, 15, 25, 35 और 45, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, शेष कितना बच रहा है, 7, 17, 27 और 37। तो एक चीज ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे, जब आपका शेषफल डिफरेंट डिफरेंट आता है तो उस कंडीशन में जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो समान होता है। 15 में से 7 घटाओगे 8 मिलेगा, 25 में से 17 घटाओगे 8 मिलेगा, 35 में से 27 घटाओगे 8 मिलेगा, 45 में से 37 घटाओगे 8 मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको ये चेक कर लेना है कि जो आपकी संख्या दी गई है और जो आपका शेषफल दिया गया है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपको समान मिलेगा। तो यह पहला क्लू है, जो अंतर आया वो आपका 8 है। अब करना क्या है, 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम निकाल करके 8 घटा दीजिए, तो निकाल दीजिए 15, 25, 35 और 45, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 5 से 5 किया 15, 5, 25, 25, 5, 7, 35, 5, 9, 45, फिर 3 से 3 एक 3, 5, 7, 3, 3 एक 9, फिर आपका 3 से 1, 7, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 7, 1, फिर 7 से 1, 1, 1, 1, तो क्या हो जाएगा, 5 किया 15 किया 45, ये आपका हो जाएगा 45 गुणे 5 से 35, 45 गुणे 35 निकालिए क्या आएगा, तो आपको मिलेगा 45 गुणे 35 कर लेते हैं, 45 गुणे का 35, तो 5 बजे 25, 5 चौक 20 को 22, 3 बजे 15 को 5, 3 चौक 12 13, तो मिलेगा आपको 5, 5 दो 7, 3 दो 5 8, यानी 1575 आपको मिलेगा। तो मैंने एलसीएम निकाला 15, 25, 35 और 45 का 1575। अब इस 1575 में से जो आपने डिफरेंस निकाला है यार, इसको आप घटा दीजिए, कितना मिलेगा, 1567, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो आपका, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको शेषफल डिफरेंट डिफरेंट दिया हो, अलग अलग दिया हो, तो सबसे पहले दी गई संख्या और शेषफल का डिफरेंट निकालेंगे जो कि समान आए, इसका दिए गए नंबर का आप एलसीएम निकालिए और डिफरेंट को आप बना दीजिए, वही आंसर। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा,
देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका इस प्रकार से पूछा गया है, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह भाज्य हो। आपको चार अंक का ऐसे नंबर ज्ञात करना है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ दो से काट लिए, 1 होगा, 3 हो गया, 2 × 4 हो गया, फिर 5, 2 × 3 = 6, फिर 7, फिर आप 2 से काट लिए तो 1, 3, 1, 5, 3, 7, फिर आप 3 से काट लेंगे तो 1, 1, 1, 5, 1, 7, फिर आप 5 से काट लिए तो 1, 1, 1, 1, 1, 7, फिर आप 7 से काट लिए 1, 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
है 25 सात, तो ये तो हो गया सात, और क्या बच रहा है, सात बच रहा है, तो सात ऊपर सात कितना हो, 6 7 42 और 1 0। क्या 427 का चार अंकों की संख्या है? 427 को चार अंकों की संख्या नहीं है, तो करेंगे क्या, इसमें आप दो से गुणा करने पर चार अंक का नंबर पा जाएंगे, दो से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 840। क्या यह चार अंक का है? नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें आप 420 में आप 3 से गुणा करके देख लीजिए तो आपको मिलेगा 0, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 1260 चार अंक का नंबर है कि नहीं, तो 1260 आपको चार अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी, तो 2 3 4 5 6 और 7 से पूरी पूरी विभाजित करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, आपको बोला गया है ये दो संख्याओं का योग 150 और उनका मौसम 25 है, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34 समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉसम और मौसम चैप्टर। आपको मौसम जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 25, और जो संख्याओं का योग दे रखा है वो आपको दे रखा है 150। तो मैंने मान लिया कि दो संख्या ए और बी है, इनका जो योग है वो आपका 150। तो आप ये बताइए जो आपका मौसम होता है वो क्या होता है? मौसम आपकी एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है, यानी 25 ए के भी साथ होगा और 25 जो है बी के भी साथ होगा। यह बात आपको समझ में आया होगा, मौसम आपको 25 दे रखा है, यानी कि पहली की संख्या के साथ 25 होगा और दूसरी की संख्या के साथ 25 होगा, तभी आपका मौसम 25 आया होगा। अब देखिएगा 25 का मान ले लेते हैं, तो ए प्लस बी बराबर आपको मिल जाएगा 150, 25 से काट दीजिए तो 25 का 150, यानी ए प्लस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6। अब आपको 6 का ऐसे जोड़ा बनाना है, 6 का अभाज्य जोड़ा बनाना है, यानी कि 6 को आपको ऐसे फैक्टराइज करना है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 5। अभाज्य जोड़ा का मतलब ये होता है कि दोनों संख्याओं में एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो, तो पहला जोड़ा तो ये हो गया, दूसरा जोड़ा आपका 2 और 4 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में आपका 2 कॉमन है। 3 और 3 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है। तो केवल और केवल एक ही जोड़ा बनेगा 1 और 5।
तो एक और पांच का जोड़े का मतलब ये है कि पांच और एक कितना छह, छह रेशियो का जो वैल्यू है वो 150 के रूप में दिया है, क्योंकि एक और पांच का जोड़ा बनता है और एक और पांच जोड़ेंगे तो छह, और छह रेशियो की वैल्यू आपको 150 दे रखा है, तो छह से काटो तो छह दुना 12 छह पच्चीस दिए, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपको मिल गया 125, तो पहला आपका एक है तो 25 हो जाएगा, दूसरा आपका पांच नंबर में है 125 हो जाएगा, यानी कि जो संख्याएं हैं वो आपका 25 और 125 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा जो आपका यह 6 आया है इसको आपको अभाज्य संख्या के बीच तोड़ना होता है। अभाज्य संख्या ये संख्याएं होती है जिनके बीच केवल और केवल एक का एक ही कॉमन हो और कोई संख्या कॉमन ना हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 34 की तरह है, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपको इस प्रकार से दे रखा है, दो संख्याओं का लसम उनके मौसम का 65 गुना है, लसम तथा मौसम का योग 1650 है तथा उसमें से एक संख्या 125 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35 को समझिएगा, आपको बोल रखा है लॉसन जो है वो मौसम का 65 गुना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो आपका मौसम है वो आपका यह है, तो लॉसन क्या हो जाएगा, तो लॉसन जो आपका हो जाएगा वो मौसम का 65 गुना है, तो लॉसन आपका क्या हो जाएगा 65 दिवस। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो लॉसन है मौसम का 65 गुना है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बोला है लॉसन तथा मौसम का योग 1650 है, तो लॉसन आपका है 65 एच और मौसम आपका है एच, इन दोनों का योग यानी लॉसन और मौसम का योग आपको दे रखा है 1650, तो 65 एच और एक एच आपका आ जाएगा 66 एच बराबर आपका आ जाएगा 1650, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1650 बटे का 66, 11 का 66, 11 का 11, 11 का 55 0, तो एच की वैल्यू आपको मिल जाएगा 150 बटे 6, 6 गुना 12 56 3, यानी एच की वैल्यू आपको मिल जाएगा 25। एच आपने किसको माना था, मौसम को, यानी एच की वैल्यू मौसम की वैल्यू आपको मिल गई 25, और लॉसन भी निकाल सकते हैं, तो 65 एच की वैल्यू 25, तो पूरा करा कितना मिलेगा 25 पचे 125 को 5, 80 पचे 12, 25 छक्का 150 और 12 कितना होगा 162, यानी आपका जो लॉसन आ गया वो आपका आ गया 1625 और जो आपका मौसम आ गया वो आपका 25 आ गया। अब पहला नंबर आपको क्वेश्चन में आगे के दे रखा है 125, यानी कि फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 125, तो आपको पता है कि आपका लॉसन गुणे मौसम बराबर आपका होता है, लॉसन गुणे मौसम बराबर आपका होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ पर लॉसन की वैल्यू आपको है 1625 और मौसम की वैल्यू आपका है 25, पहली संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है 125 और दूसरी संख्या आपको निकालना है, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा आपको मिल जाएगा 1625 गुणे का 25 बटे का 125, 25 से काटो 125 को तो 5 बार में जाएगा, 5 से काटो 5 3 15 1 और 2 5 2 10 5 5 25, यानी कि दूसरा नंबर आपको मिलेगा वो आपको 325 मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 36, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 आपका इस प्रकार से है, तीन लकड़ी के सरदी क्रमशः 36 मीटर 50 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं तथा उन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटों में बांटना है, तब प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या है। आपको तीन प्रकार के लकड़ी के
सर्किल दे रखा है, एक आपका है 36 मीटर और दूसरा आपका है 54 मीटर और तीसरा आपका है 63 मीटर। इनको आपको बराबर बराबर लंबाई के टुकड़ों में बांटना है। तो बराबर बराबर लंबाई टुकड़ों में बांटने का मतलब यह है कि आपको एलसीएम निकालना है, यानी 900 निकालना है। तो सबसे पहले 9 से 1 काट लो, 9 6 36, 9 6 54, फिर 963। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो 900 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 मीटर के बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, 4 घंटियां 4 6 8 14 सेकंड के अंतराल में बजती है, वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती है, किस समय वे फिर इकट्ठा बजेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 37 को समझिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है बस सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले 4 6 8 और 14 का आपको एलसीएम निकालना है। 4 6 8 और 10 का आपको एलसीएम निकालना है। जो आपका एलसीएम आएगा वो सेकंड में है, तो सेकंड को आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा। फिर आपका जितना आएगा 2 मिनट कितना भी सेकंड आएगा उसके बाद से आप 12 भी जोड़ दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो 12:02 इतना सेकंड जो भी आपका है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कराया था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 को भी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 37 में केवल छोटा सा अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक एक डिजिट आपको मिल रहा है। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 10 था उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सारे नंबर सेम है, सारे वर्ड सेम है, कुछ करना नहीं है। जैसा आप क्वेश्चन 10 सॉल्व कराया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 को भी सॉल्व। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास को इधर रखते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों की यदि आप किसी भी चीज की अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे कांटेक्ट नंबर 76017 पर कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।